जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान की टीम से हार चुकी है, जिसके बाद अब न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर भारतीय टीम हारती है तो भारतीय टीम वर्ल्ड कप से बाहर भी हो सकती है। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है, भारतीय टीम 24 अक्टूबर को पाकिस्तान की टीम से बुरी तरह से हार गई थी, जिसके बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को लेकर बहुत से सवाल उठाए जा रहे थे। दोस्तों आपको बता दें कि अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ होना है। भारतीय टीम के लिए ये मैच काफी अहम होने वाला है, क्योंकि अगर भारतीय टीम न्यूजीलैंड की टीम से ये मुकाबला भी हार जाती है तो भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2021 से बाहर भी हो सकती है, क्योंकि इसके बाद भारतीय टीम के 3 मैच बचे हैं। क्योंकि अगर भारतीय टीम 3 मैच भी जीतती है तो भी भारतीय टीम का वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब वे 3 मैच स्कॉटलैंड, नामीबिया और अफगानिस्तान के साथ खेलने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम भी T20 वर्ल्ड कप 2021 में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो ऐसे में अगर न्यूजीलैंड की टीम भी भारत से ये मैच जीत जाती है तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के लिए स्कॉटलैंड, नामीबिया और अफगानिस्तान को हराना आसान हो जाएगा और ये दोनों टीमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। इसलिए भारतीय टीम को ये मैच किसी भी हालत में जीतना होगा। फिलहाल भारतीय टीम पॉइंट टेबल में ग्रुप 2 में नंबर 5 पर बनी हुई है और भारतीय टीम इस मैच को जीतने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में भी 2 से 3 बड़े बदलाव कर सकती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।